अहमदपुर सियाल में असिस्टेंट कमिश्नर न्याज अहमद मुगल, DDHO डॉक्टर मुमताज और महकमे सेहत के हमरा रिच एवरी डोर मुहिम के तहत कोरोना वैक्सीनेशन शहर के पुरहजूम मकामात पर करवा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर हिजाज अली भट्ट वैक्सीनेशन टीम के हमरा मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी हिजाज अली, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब भर की तरह तहसील अहमदपुर सियाल में भी रीच एवरी डोर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर उनसे सवाल से गुफ्तगू करते हैं। सर जी, लारी अड्डे पर आप मौजूद हैं, कलमा चौक इंतहाई पुर हजूम जगह है तहसील अहमदपुर सियाल की, यहाँ पर वैक्सीनेशन किस तरीके से की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारी जो कम्पेन है रीच एवरी डोर, और इसमें डॉक्टर मुमताज साहब भी और हमारी हेल्थ की सारी टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम गाड़ियाँ रोक रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं उनके ड्राइवर और कंडक्टर हजरात और जितनी भी सवारियां बैठी हुई हैं, अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई तो उनको हम रोक रहे हैं ताकि वो अपनी वैक्सीन लगवाएं, और ताकि एक और भी तासर लोगों में पैदा हो कि ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। अब देखें, बरतानिया में एक नई जो कोरोना की लहर शुरू हो गई है और उसके असरात पाकिस्तान में भी आना शुरू हो गए, तो उससे बचने का वाहद जरिया एक ही है कि हम मैक्सिमम लेवल पर वैक्सीनेशन कम्प्लीट करें। गुफ्तगु सुनी आपने असिस्टेंट कमिश्नर साहब की, उनका कहना है कि नए वेरिएंट्स कोरोना के हैं जो वो दुनिया में आते जा रहे हैं, उससे बेहतरीन बचने का जो तरीका है वो वैक्सीनेशन है। अहमदपुर सियाल में लारी अड्डे, होटल और दीगर रश वाले मकाम जो हैं उन पर वैक्सीनेशन की जा रही है। इसके अलावा हर घर में जाकर 12 साल से ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं उनको भी महकमा सेहत की टीमें जो है